हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टेरेस गार्डन। कैसे हैं आप? आए हो बच्चे होंगे। आज मैं पूरे 4 महीने बाद, 4 महीने से ज़्यादा ही हो गए हैं, आज मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। तो आज मैं अपने टेरेस गार्डन का कुछ आपको हाल दिखाती हूँ कि कैसा है। देखिए, क्लाइंचों में फ्लावर है। इतने दिनों तक मैं मायके में थी अपने, और जो भी वीडियो थे थोड़े बहुत ही मैंने अपलोड किए हैं, 2-3-4। इसके अलावा तब से मैं यूट्यूब पर अपने वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी। एंड गाइस, जाते वक्त मैंने ये देखिए, ये प्लांट जो कि कटिंग से मैंने लगा रखा था, इसको लगा दिया था इसमें। ये मेरा एक ट्रे के जैसा पॉट है, तो उसमें लगा दिया था। तो ये अभी देखिए इतने बड़े बड़े हो गए, छोटी छोटी कटिंग लगाई थी 3। ये फाइकस की कटिंग है, और फाइकस समर में बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। इनको जितनी तेज़ धूप मिलती है वो ये उतने ही अच्छे से सर्वाइव करते हैं, और इनके पत्ते बहुत ज़्यादा शाइनिंग होते हैं। ये देखिए इस तरीके से। और जाते वक्त मैंने वेजिटेबल्स कुछ लगा के मैं गई थी। ये देखिए टमाटर वगैरह। तो देखिए अभी भी इनमें फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग हो रही है। एंड मेरे कुछ फ्रेंड्स मैरीगोल्ड इस तरीके से देखिए फ्लावरिंग करके उनके फूल स्पेंड भी हो रहे हैं, देखिए। और ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, इनको भी तेज़ धूप चाहिए होती है। तो इनके जो सीड पॉट होंगे मैं कलेक्ट करके रखूँगी। और ये छोटे से बॉटल में लगा हुआ अगेव का प्लांट देखिए, काफ़ी अच्छे से सर्वाइव किया, लेकिन अभी मैं इसको हटाऊंगी क्योंकि मेरे घर में छोटा एक बच्चा है और उसके लिए कैक्टस प्लांट सही नहीं रहेंगे। और ये देखिए कोलियस में फ्लावर आ रहे हैं, और ये हमिंग बर्ड को और बटरफ्लाई को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, और वो इनमें से फूलों के रस को चूसती हैं। एंड गाइस, ये मैंने कुछ रोज की कटिंग लगा कर मैं गई थी, तो ये आप देख सकते हैं कुछ अच्छे से चल रही हैं, और इसमें से कुछ सूख चुकी हैं। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और भी अपना जो टेरेस गार्डन का हाल है जो भी वो दिखाऊंगी। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।